अभी एक एक जन आप लोग को जो हम लोग क्वेश्चन दिया था ना आपको कि कौन सा चीज हमको परमेश्वर से क्या करता है, अलग करता है। इंग्लिश में मैंने आपने लिखा होगा व्हाट मेक्स ए यंग मैन टू गेट अवे फ्रॉम गॉड। हमारा हेडिंग क्या है, व्हाट मेक्स ए यंग मैन टू गेट अवे फ्रॉम गॉड। अभी इसमें मैंने आपको बताया था सेल्फ एक्सपीरियंस, आपने कैसा कुछ बातों को आपने अजमाया होगा जो आपको परमेश्वर से क्या रखता है, दूर रखता है। मैं आपको इसलिए बोला कि आप ये नहीं बोलना कि मैं ये नहीं बोलने की बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा करता था वैसा करता था, मैं आपको वो नहीं बोलने बोल रहा हूँ विच यू योर सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड। क्या लगता है कि अभी आप देखो रोज तो हम लोग प्रचार सुन ही रहे हैं ना, अभी आपका अनुभव में आपने क्या एक्सपीरियंस किया जो आपको परमेश्वर से क्या रखता है, दूर रखता है। सर्टन एक्सपीरियंस विच यू हैव एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते समय में इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए वो क्या हो सकता है, मदद हो सकता है। शायद उनको ऐसा एक कठिनाई सामने क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, तभी उनके लिए आपका वचन से आपने जो बात बताया ये उनके लिए क्या होगा, एक हेल्पफुल रहेगा। इतना समझ में आया। तो अभी आप लोग अपने अंदर की बातों को थोड़ा सा हम लोग शेयर करते समय फील फ्री, क्या बोल रहा हूँ, फील फ्री, ये मत सोचना इसके सामने कैसा बोलूँ। तो अभी नंबर आशीष पहला नंबर आ जाओ। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, बोलो कोई धन्यवाद। सुबह के समय में कितने युद्ध झंडा वंदन के लिए जा रहे, लेकिन परमेश्वर का वो अपार प्रेम हमको यहाँ पे, थोड़े लोग हैं लेकिन हमको यहाँ पे आने के लिए एक मौका दिया करके। पास्टर का जो टॉपिक था कि क्या परमेश्वर को और हमारे बीच में दूरी रखता है और हमको परमेश्वर से जुड़ने के लिए एक मौका नहीं मिलता है कभी भी, क्योंकि हम लोग को याद ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, ये हमको कभी एहसास नहीं रहता। तो मेरा उसमें एक एक्सपीरियंस है नॉट बीइंग थैंकफुल इनफ कि वो उसने किया वो हर एक काम को हम कभी याद ही नहीं किया। तो लास्ट टाइम कभी हम लोग ने हर एक छोटी चीज के लिए, भले वो स्कूल का फीस हो या लाइट बिल पेड हो गया, वो सब के लिए कभी आपने धन्यवाद दिया परमेश्वर को। तो अगर हम परमेश्वर को, उसको देने वाला वो धन्यवाद नहीं देगा तो हम लोग लूकवॉर्म क्रिश्चियन, लूकवॉर्म मतलब गुनगुना क्रिश्चियन, और ये सबसे डेंजरस प्लेस है रहने के लिए एक क्रिश्चियन लाइफ में। लूकवॉर्म रहना मतलब तू खतरे में, मरने वाला है। जब भी हम परमेश्वर के कामों को याद करके और उसके क्रूस के प्यार को हम भूल जाते तब हम ये लूकवॉर्म कहलाते हैं। और ये कुछ भी हो और किधर भी परमेश्वर ने हमें बहुत सारे जगह में दिन भर आपने हमें बचाया, ये सब के लिए बच्चे लोग भी हम धन्यवाद देना भूल जाते, और ये धन्यवाद देने से हमें एहसास ही नहीं रहता कि परवरदिगार ने अपने एकलौते बेटे को क्रूस पे टंगाया। नॉर्मल मौत नहीं है, हार्ट अटैक भी आके मर सकता था, क्रूस पे टंगाया, और वो क्रूस का दर्द हम हमेशा भूल जाते। तो आप इमेजिन करो, परमेश्वर अगर आज आपके सर से वो अनुग्रह का चादर वो निकाल देगा आपके हाथ से आज, तो आप कहां जाओ, कहां जाओ? एक दिन रह लेगा, दो दिन रह लेगा, तीसरा दिन बेचैनी हो जाएगा, रह ही नहीं पाएगा। तो और वो महान परमेश्वर हमको मतलब दिन प्रतिदिन जब हम उठते हैं सुबह, आपका नॉलेज नहीं है, आपका नॉलेज के बिना आपको बहुत सारे मुसीबतों से, अभी जाते जाते कितना लोग भाई रास्ते पे जा रहे हैं ट्रक आकर ठोक दिया, खत्म। कितना वो छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा चीज है जो अपन ग्रांटेड लेते हैं। ग्रांटेड का मतलब अगर आपको मालूम है, ऐसे ही ले लिया वो, हम ग्रांटेड ले लेते हैं, तो उसको कभी हम ग्रांटेड नहीं लेना है। सो आज ये सुबह के समय में
उसने किया हुए भलाइयों को याद करके सब बातों के लिए धन्यवाद देंगे। और प्रार्थना ये होना चाहिए कि मुझे गुनगुना नहीं होना मुझे, और ये परमेश्वर का जो भलाइयां है ये हमेशा एक फ्रेश जख्म, एक फ्रेश वूंड कैसा रहता है। अगर आपको एक फ्रेश वूंड लगा उसके ऊपर ही आप ऐसा ऐसा नहीं करोगे, वो याद रहेगा अरे इधर लगा ये हाथ से मैं नहीं करूंगा कुछ, ठीक है। भले वो भलाई आपको 2-3 साल पहले हुआ हो लेकिन वो एक फ्रेश जख्म की जैसा आपके जहन में आपके दिल में रहना चाहिए कि नहीं ये कल ही किया था शायद मेरे लिए परमेश्वर, ये किया करके ही मैं बचा, ये सब आपके अंदर रहना चाहिए। अगर आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हो धन्यवाद जो देना है तो आपने अपने पापों को नहीं माना। पहली बार आपको एहसास नहीं है कि मैंने क्या क्या पाप किया है, मेरे को कौन सा जगह से कहां उठा के लाया, कौन सा परिस्थिति में था और वहां से परमेश्वर ने हाथ पकड़ के मरुभूमि में चलाया वो परमेश्वर। हालेलुया। हम सोने के लिए हमको क्या नहीं है, हमको बेड है, सोने के लिए बेड है, सर में छत है, घर है अपने को। कभी उसको जाके घर का कीमत पूछो जो जिसका पहाड़ में डूब गया है घर पूरा, उसको जाके पूछो वो रोता रहेगा वो एक घर के लिए। लेकिन परमेश्वर ने अपने को बड़ा उसका प्रेम से हमें अभी तक आंखों की पुतली जैसे संभाला है। John 3:16 पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, सबको बताइए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को क्यों दिया, क्यों दिया हमारे पापों के लिए। क्या खूबी आपने ना, कुछ खूबी नहीं, साधारण एक पेन भी अगर मैं कोई मेरे को हेल्प करेगा तो कैसा थैंक यू हम हमेशा बोलते, नहीं कोई मदद किया स्कूल में सब मारा मारी हुआ अरे मेरा दोस्त मेरे को बचाने आ गया कैसा हम बोलते थैंक यू। लेकिन वो प्यार अपने को परमेश्वर से नहीं है तो ये सब चीजें हमको परमेश्वर से दूर कर सकते हैं। और ये सब करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम वी स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स, मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है, मेरे को पापा अच्छा कपड़ा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, तू पहले वाला चीजों के लिए कभी थैंक यू बोला ही नहीं। तो ऐसा 53:5 परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ठीक है, कौन चंगा हुआ उसके कोड़े खाने से, इसके बदले में क्या बोलना चाहिए अपने को, आज बोलना चाहिए, कल बोलना चाहिए, रोज बोलना चाहिए। और परमेश्वर का प्यार कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं आज प्यार किया कल छोड़ दिया, कल छोड़ दिया आज प्यार किया, ऐसा नहीं, दिन प्रतिदिन वो हमसे प्यार करता है। तो दिन प्रतिदिन हमको हमारे फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब भी हम रात को सोने जाते हैं परमेश्वर की रक्षा के लिए धन्यवाद देना, आंखों की पुतली जैसे पूरा दिन हमको उसने पता नहीं कहां कहां से चला के लाया, क्या कंट्रोल में अपना, रियलिटी में देखा तो कुछ कंट्रोल में नहीं ये दुनिया, हमारे हाथ में क्या है, रस्ते में गया दारू पी के गाड़ी चला देगा, एक पागल इंसान जो रस्ते में है उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आके तुमको मार सकता था, मारा नहीं। परमेश्वर का ये सब छोटा छोटा बात है जो हम अपना जहन में आता ही नहीं है, ये सब के लिए परमेश्वर को हर समय उसके उसने उसका प्यार के लिए उसने अपने आप पंखों के तले हमें कितना सुरक्षित, अपन छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, आप लोग का सब लोग का दोस्त लोग दारू पीता रहेगा सिगरेट पीता रहेगा लेकिन वो सबसे परमेश्वर ने अपने को बचा के रखा है। तो और फिर वी स्टार्ट कंप्लेनिंग कि थिंग्स आर बैड, मेरा पापा के पास पैसा नहीं है, मेरा दोस्त के पास गाड़ी है, मेरा दोस्त के पास अच्छा स्कूल है, बिल्ला बॉम्ब में जा रहा है, हाँ उसको उसके पास अच्छा जॉब है, क्यों वी स्टार्ट कंप्लेनिंग। दूसरा कुरिन्थी 4:8-9 हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। क्या
छोटी छोटी बातों के लिए आप एक कार एक्सीडेंट में रहेंगे, ठीक है, धन्यवाद दो परमेश्वर की कि आपको चोट नहीं लगी, आप एक आपको चोट लगी भी होगी, धन्यवाद दो उस परमेश्वर को कि आप मरे नहीं। कितने लोग ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गायब हो गए, आप कितना परमेश्वर ने बचा के लाया आपको, ये आपको ऐसा सुना है और रोज होना है। मैं बोला पहले भी एक फ्रेश वूंड के जैसा कि बरसों पहले किया होगा मदद, लेकिन वो फ्रेश रहना चाहिए हमेशा, वो हमारे दिल में हमेशा रहना चाहिए कि हमें ये करना है और कंप्लेंट कभी नहीं करना कि ये कुछ प्रॉब्लम्स में है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा बराबर, क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर को पहला वाला बातों को आप थैंक यू देना है हमेशा। अभी एक अच्छा स्टोरी है जो लूक 17 है, वो अगर पूरा पैरा पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छा स्टोरी है। लूक 17:16-19 ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए, तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अंदर स्टोरी, यीशु जब चंगा करने गया तो उसमें से सिर्फ एक आके थैंक यू बोला। उसमें से हम भी है क्या कि हम छोटे छोटी बातों के लिए परमेश्वर को थैंक यू नहीं दे रहे? 2 दिन का ही बुखार रहेगा आपको, हमेशा 2 ही दिन का ही आता वायरल जो है, उसके बाद ठीक होता है, उसके बाद क्या आपने थैंक यू बोला? थैंक यू हमको परमेश्वर को हर एक छोटी चीज के लिए। बच्चे लोग भी स्कूल में जाते समय बाई आके रोल आउट देती है कि अरे रोल नंबर 27 ने फीस नहीं भरा, वैसा आया क्या आपका नाम? आपको वैसा आया भी होगा तो उसके बाद भी परमेश्वर ने आपको मदद किया वो फीस भरने के लिए, कि आपने वो सब चीजों के लिए थैंक यू बोला। आपको पता नहीं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे परिस्थिति से आपको निकाल के लाया। मेरा पर्सनल इसमें देखेगा तो मेरा सबसे टफेस्ट टाइम 2019, एकदम टफेस्ट, मेरे को क्या करने का समझ नहीं रहा, पापा बीमार है बेड पे, तो और तभी मेरे को मालूम ही नहीं कि इतना सीरियस है, पापा बीमार है, पापा गुजर भी गए, उसके बाद भी ऐसा मेरे को कभी अंदर फील नहीं हुआ, मैं रोया भी नहीं, अच्छा से दिल खोल के कर रोया भी नहीं, मेरे को अंदर से एक स्ट्रांगनेस था कि भाई परमेश्वर है बचा लेगा। और तभी ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर नाम का कोई चीज है, अंदर से एक अलग ताकत ऊपर वाला अपने को देता है। तो कम और ये सब होने के बाद हम परमेश्वर को हम इतना उसका भलाई लेके लिए अपन उसके अपने लिए कोड़े खाया, कोड़ा है, एक कोड़ा कोई खा लेगा अगर तो 3 दिन तक उठ ही नहीं पाता। अपने लिए कोड़े खाया, हाथों के बीच में खिल्ला घुसाया, तो वो सब के लिए हम धन्यवाद देने के बजाय उसको गिन आने वाला चीज कंप्लेन कर। अब ये कंप्लेन बहुत डेंजरस चीज है तो उसके बारे में बताया। तो कंप्लेन करने से क्या होता है, हमारा गुस्सा 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है, लेकिन कंप्लेन कम्स विद अ स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्नो लिया आपने, बर्फ का गोला बनाया, बना के आप घर पे आओगे और थोड़े देर रख दोगे तो इट बिकम्स वाटर। तो स्नोबॉल, अगर एक कंप्लेनिंग एक स्नोबॉल है तो आप लेके आओ, आपके अंदर है स्नोबॉल तो वो पानी होगा एंड दैट वाटर इज सिन। बहुत सारा मल्टीपल पापों के लिए वो एनकरेज करेगा आपको। तो उसका स्नोबॉल इफेक्ट में जैसे लाइन, घमंड और लालसा, एक सिंपल हार्मफुल लगता है अपने को, कंप्लेन कर लिया, ए मेरे को ये नहीं मिला यार, वो नहीं मिला यार। हम मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि यूथ करते हैं कि देख उसको अच्छा गाड़ी है मेरे को नहीं, क्यों कंप्लेन करना है? कंप्लेन से परमेश्वर को बहुत गुस्सा आने वाला चीज है। इसराइल लोग का स्टोरी देखते समय 11 दिन का सफर है,
40 दिन साल का है ही नहीं, 11 दिन का सफर, ये कंप्लेनिंग के वजह से वो जो गिफ्ट जो कनान परमेश्वर ने उनके लिए रखा वो उनसे डिस्टेंट होके गए। तो शायद आपके लिए भी कोई ब्लेसिंग रहेगा बिकॉज ऑफ दिस कंप्लेनिंग, योर ब्लेसिंग स्ट्राइव्स अवे, मतलब आपका जो ब्लेसिंग आपको जो मिलने वाला है वो आपसे दूर जा रहा है, और ये रोज हो रहा है आपके साथ। नंबर्स आप पढ़ोगे 11 का 19, ये धन्यवाद देने के बजाय हम कंप्लेन और बुड़बुड़ाने लगे। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। ठीक है, कंप्लेन करने से परमेश्वर का आग भड़क उठा और वो कैंप में से एक लोग गायब होने लग गया, मतलब खत्म होने लग गया। तो इसका सीरियसनेस सब जानना है। कंप्लेन देने के बजाय हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है परमेश्वर को हर छोटी चीज के लिए। सर पे छत है, धन्यवाद दो, उसने आज सुबह तुमको उठने का मन दिया। खाट से उठने का कितना लोगों को मन नहीं करता, उठने का मन दिया, काम पे जाने का मन दिया, उसके लिए धन्यवाद दो। रस्ते पे हर एक बातों से आपको बचाया, धन्यवाद दो। अभी इजराइल लोग को देखते समय में परमेश्वर ने आकाश से हेवनली फूड इज मन्ना, क्या करना है, सुबह जाना है टोकरी लेके जमा करना है, आना है खाना है। अभी इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए था या बुड़बुड़ाना चाहिए था? धन्यवाद देना चाहिए था, हर एक बातों के लिए उनको धन्यवाद के योग्य है। अभी उधर से दासत्व के घर से निकाला, पास्टर का प्रचार में सब सुने होंगे, दासत्व के घर से निकाला हुआ परमेश्वर के लिए वो लोग धन्यवाद देने का छोड़ गए। हर छोटे बड़े ने देखा लाल समुंदर फटते हुए बीच में से, हर छोटे बड़े ने देखा है चट्टान में से पानी आ रहा। तो ये सब चीजों के लिए धन्यवाद देने के बजाय ये लोग, यार रोज मन्ना खाने का कौन खाएगा, रोज पक गया मन्ना खा के, ये सब चीजों के लिए धन्यवाद देने से जो उनको लगा। और ये स्नोबॉल इफेक्ट में बताया आपको, लालसा, लालसा है, लालसा किस चीज का आया, मीट खाने का, मीट खाने का लालसा है। तो वही कंप्लेनिंग स्टार्ट्स विद लालसा, घमंड। लूसीफर को भी देखते समय में परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं छोड़ा, अप टू डेट ऊपर से नीचे तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर एम्बेडेड इन हिम, मतलब उसके बदन में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, रूबीस, रूबीस रेड कलर का डायमंड देखा नहीं होगा कभी, उससे एम्बेडेड, उससे उसका शरीर में है वो सब, लेकिन उसके अंदर ये घमंड आया, ये घमंड कहीं ना कहीं स्टार्ट होकर रहेगा कंप्लेनिंग से। तो वह उसका हालत क्या हुआ, आकाश से गिराया गया, और वो अकेला नहीं गिरा और 10 लोग को लेके गिरा। इसका मतलब ये है कि आप इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपका इसका सारांश क्या मिलता है अपने को कि मैं और डेविड है, डेविड और मैं साथ में स्कूल जाता है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि यार मेरे को सही नहीं लग रहा है, मेरा धंधा ही नहीं चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा। डेविड भी अगर क्रिश्चियन रहेगा ना तो वो भी बैक ऑफ द माइंड यही सोचेगा कि अरे ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल टू कम टूवर्ड्स द स्नोबॉल इफेक्ट दैट लीड्स टू सिन। तो सब जानते हैं कि मिस्र से निकाला गया हुआ हाँ मन्ना के लिए थैंक यू नहीं बोला, पहले बार उसके लिए समुंदर को फाड़ा, फिरौन की सेना इतनी बड़ी है, इट्स वर्ल्ड फेमस, फरो फरो ऑफ इजिप्ट ऐसा बोलता है, हिस्ट्री बुक में सब पढ़ा रहेगा। तो कोई उनको हरा नहीं पाया, आज भी जब लाल समुंदर में आप डीप डाइव करोगे ना, वो रथ है जो डुबाया हुआ रथ है, वो लकड़ी विकड़ी तो सब गया रहेगा, लेकिन उनका इसमें सोना चांदी का बनाया हुआ वो रथ अभी भी है। तो इससे क्या लगता है अपने को कितना वो लोग थैंक यू बोल सकते थे कभी के लिए, बुरा टाइम में जब हमने पढ़ा वी आर क्रस्ट बट नॉट ब्रोकन, वो वचन में अभी पढ़ा है शायद हम लोग, वी आर क्रस्ट बट नॉट ब्रोकन। तो वो सब के लिए वो लोग भी ऐसा बोलना चाहिए था कि हमको दासत्व से लाया, मिस्र से लाया, गुलामी से लाया, मन्ना खाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यों हम मीट का लालसा क्यों आना,
इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम कंप्लेन. तो हमें कंप्लेनिंग छोड़ के हमें करना है धन्यवाद उस परमेश्वर के लिए जिसने अपना जान क्रूस पे एक लोटे बेटे का जान दे दिया. तो हम इस सुबह के समय में कोई भी परमेश्वर को हर एक छोटे चीजों के लिए अभी हम धन्यवाद देने जा रहे हैं. परमेश्वर को याद करो वो दिन जब आप होता है मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, पढ़ के तो कुछ गया ही नहीं है लेकिन परमेश्वर ने वो प्रेम मेरे से लज्जित होने नहीं दिया. कभी जस्ट पास हुआ, फेल हो सकता था, मैं जस्ट पास के लिए धन्यवाद दे रहा. गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, गिरा क्योंकि मैं स्पीड में चला रहा था, हाथ पैर टूट सकता था, टूटा, धन्यवाद दे रहा. तो सब लोग खड़े होंगे अभी और परमेश्वर को उसके प्रेम के लिए धन्यवाद दे. परमेश्वर को सब लोग मुंह खोल के बच्चे लोग देना है, हाथ उठा के कुछ भी करो लेकिन वो धन्यवाद दो परमेश्वर को. बिकॉज यीशु ने पूछा उनको कि सिर्फ एक ही आया क्या, तो क्या पता आप में से भी किसको पूछा रहेगा अरे डेविड ही आया क्या, बाकी लोग किधर है. तो परमेश्वर जब हेल्प कर रहा है तो वो इजरायली लोग जैसा कभी बुड़बुड़ाना नहीं. हालेलुया. तो सब लोग अभी आग बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले. हालेलुया 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 हालेलुया. मुंह खोल के धन्यवाद देंगे परमेश्वर को. हालेलुया हालेलुया. वो प्रेम को याद करो जो क्रूस पे परमेश्वर ने किया है प्रभु. हालेलुया हमारे लिए. हालेलुया. धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो. इजराइली लोग जैसा नहीं. हालेलुया. इजराइली लोग जैसा नहीं जो लाल समुद्र को फाड़ा हुआ भूल गया वो, परंतु प्रभु हालेलुया हमें वो परमेश्वर वो परमेश्वर प्रेम हालेलुया आपने किया हुआ हर एक भलाइयों को याद करके. बच्चे लोग सब स्कूल में पर फीस दिया, धन्यवाद बोलो. घर में लाइट है, धन्यवाद दो. कितने लोग के घर पे लाइट नहीं है, धन्यवाद दो. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो. हालेलुया. याद करो वो दिनों को जब आपके पास कुछ नहीं था. मैं तो याद करता हूँ रोज. याद करो वो दिन को. एक फ्रेश जख्म के जैसा होना चाहिए आपका भलाइया, एक फ्रेश जख्म के जैसा होना चाहिए. मुंह खोल के धन्यवाद दो. हालेलुया. याद करो जब आप गिरने ही वाले थे कि एक हाथ ने आपको पकड़ लिया. हालेलुया 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 हालेलुया. सादा एक दोस्त अपने को पेन दिया तो भी हम कितना अच्छे से थैंक यू बोलते हैं, लेकिन अभी आपका आवाज नहीं है धन्यवाद देने. ये सब चीजें अपने को परवरदिगार से अलग करती है. हालेलुया. दूर करती है. गुनगुना नहीं हो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद हो धन्यवाद हो. ये सुबह के समय में इकट्ठा किया करके धन्यवाद. हालेलुया. कितने लोग नहीं है हमारे बीच में, कितने लोग मर गए कोविड में, कितने लोग खत्म हो गए, एक को भी नहीं हुआ है. धन्यवाद हो. बहुत आसानी चीज है, छोटी छोटी चीज है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देगा तो परमेश्वर कैसा बड़ा काम करेगा. हालेलुया. धन्यवाद हो धन्यवाद हो. वो अपार प्रेम याद करे सब लोग. हालेलुया. वो अपार प्रेम याद करे सब लोग. भूले ना. हालेलुया हालेलुया. गोलगत्ता पर्वत के और जाते समय में प्रभु क्रूस को उठा के नहीं दिया, खुद खींच के लेके गए. किसके लिए? याद करे उसे. धन्यवाद दे हर एक बातों के लिए. हमारे पापों के लिए मारा गया. हालेलुया हालेलुया. परिस्थितियां हैं. हालेलुया परिस्थितियां हैं. हालेलुया. एक टाइम का खाना नहीं है, ठीक है, दो टाइम का तो है, उसके लिए धन्यवाद. हालेलुया. मुंह खोल के सब लोग शर्माओ मत. धन्यवाद देने वो परवरदिगार को शर्माओ मत. हालेलुया. याद करे किसके घर से पतरे का पानी आता हो. पतरा तो है सिर्फ. हालेलुया. याद करे. हालेलुया. कितने को परमेश्वर हालेलुया अनजाने में मदद किया है. तुमको मालूम भी नहीं तुम मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने हाथ पकड़ लिया, अनजाने में मदद किया वो परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया. तारीफ के योग्य है. हालेलुया. सर्वशक्तिमान दयालु पिता. हालेलुया. चला के लाया करके धन्यवाद. हालेलुया. सुबह के समय में
हालेलुया, हमें नथनों में श्वास दिया हालेलुया, हमारे लाल रंगों के पापों को भूल के उसको पीछे डाल के हालेलुया आपने अभी तक चला के लाया करके धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह का चादर परमेश्वर हम पे से ना उठाए हालेलुया। इजराइल लोग चलते समय में उतर गए हालेलुया। बादल का खंभा है हाँ साथ में, आग का खंभा है साथ में, लेकिन वो उनके लिए सब धन्यवाद नहीं बोला हालेलुया। लोग बुड़बुड़ाने लगे कि मन्ना ही खाना पड़ रहा है रोज, या तुम हो या वो हो तुम आज सब चीजों के लिए धन्यवाद देना है हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को याद करे सब लोग हालेलुया, याद करे सब लोग हालेलुया, उस अपार प्रेम के लिए याद करे हालेलुया हालेलुया। पैदा होते ही कितना लोग मर जाते हालेलुया, माँ भी मरती है बच्चा भी मरता हालेलुया। उधर से लेके आया हालेलुया, उधर से परमेश्वर ने हालेलुया उसका अनुग्रह से लेके आया है। मुंह खोल के बच्चे लोग हालेलुया, कितना एग्जाम में तुम पढ़ के नहीं गए, तुमको याद नहीं है बैठने के टाइम, पढ़ाई लिखने के टाइम, एग्जाम के टाइम कुछ याद नहीं है, तो भी लिखते लिखते अचानक याद आ जाता है, हाँ मेरे को ये याद आ गया हालेलुया धन्यवाद। अनजाने में दिया होगा मदद के लिए हालेलुया, बुड़बुड़ाए नहीं हालेलुया, याद करे हालेलुया हालेलुया। ठंडा ना हो कोई, वो फ्रेश जख्म हमारे अंदर हमेशा याद रहना है, फ्रेश जख्म तुम भूले नहीं, कभी ना भूले। कितने बार गाड़ी से गिर के मर सकता था, कितने बार स्पाइनी को भी अच्छे से पता है, मनमाड में जब जाते समय में अभिषेक मरते थे सब लोग, अपन गाड़ी इतना स्पीड में था, कितना महान परमेश्वर उधर से बचा गया। अन्य को भी पता, अन्य भी साथ में था, कितना वो छोटा छोटा चीज है अपन भूल जाते, अरे सब लोग बचा लेगा, मेरा स्किल्स अपन सोचते, मेरा ड्राइविंग स्किल्स, कभी नहीं, वो परमेश्वर को याद करे सब लोग हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक गीत गाएंगे उसके लिए हालेलुया। सबको पता नहीं है हालेलुया, रो के प्रभु को परमेश्वर याद करके हालेलुया हालेलुया धन्यवाद।
सुबह के समय में कितने लोग नशे में डूबे हैं, हमें वहां पे नहीं रखा परमेश्वर ने, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर नशे में डूबे हैं, कितने लोग परमेश्वर घूम रहे हैं इधर उधर फालतू का घूम रहे हैं, परमेश्वर ने उद्देश्य के साथ ये ध्यान इस जगह पर परमेश्वर छोटे बच्चों को लेके आया, हर एक बीमारी से परमेश्वर ने हमें बचाया, हर एक मरने वाले जगह से प्रभु हालेलुया, दासत्व के घर से परमेश्वर छुड़ा के लाया, वो चीजों को अभी आपका परिस्थिति खराब देगा, देयर आर बैड सिचुएशन इन योर लाइफ राइट नाउ, बट रिमेंबर दोस टाइम्स व्हेन यू डिडंट हैव एनीथिंग, हालेलुया, आपके पास कुछ नहीं था, वो जगह से परमेश्वर ने हालेलुया आंखों की पुतली जैसा प्रभु हालेलुया संभाल के लाया, हालेलुया धन्यवाद 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 करेंगे, हालेलुया मुंह खोल के धन्यवाद करेंगे, हालेलुया चुपना है गाने में भी है, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद, तोहफा पाना है परमेश्वर धन्यवाद दो, हालेलुया धन्यवाद दो, वो ब्लेसिंग चाहिए, कानान आपसे 40 साल दूर नहीं होना है, हालेलुया 11 दिन में ही पहुंचना है सबको, हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर का, हर एक छोटी चीजों के लिए एक फ्रेश जख्म की तरह, हालेलुया हालेलुया, जहां पे लगने से याद आता है कि ये कहां लगा था वो याद करे सब, हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर ने यहां बुलाकर लेकर आया और हम लोग को एक अभी टॉपिक दिया है कि उसमें हम लोग को परमेश्वर से हमें क्या चीज़ दूर करता है और हमारा क्या ध्यान ले जाता है, परमेश्वर परमेश्वर की बहुत सारी हमारे और से इच्छाएं हैं जो हमें पूरे करने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है, तो फिर परमेश्वर ने हम लोग से बहुत सारे उद्देश्य चाह है और हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग को खींचते हैं, हमारा ध्यान लेकर जाता है, हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर रहना चाहिए, तो फिर मेरे जीवन में से परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे बड़ा चीज़ था जो मुझे दूर करता था वो था मूर्ति आइडल्स, मेरे ऐसे मूर्ति नहीं थे जो मुझे जो फोटोज वो सब नहीं था, पर वो था जो जो मुझे जैसे कि फ़ोन था और मेरा प्राइड था, जो प्राइड गर्व था कि मैं अच्छा पढ़ती हूँ और उसमें बहुत सारे गर्व था और अपना काम मैं अपना टाइम परमेश्वर के लिए नहीं देती थी और तो फिर ना हम लोग ना ज़्यादा टाइम फ़ोन में बिताते थे और परमेश्वर को अपना टाइम नहीं देते, मीडिया में जो हम लोग को अट्रैक्ट करता था, जैसे अगर हम लोग को कोई सामने अट्रैक्शन चीज़ रख दो तो वो अट्रैक्ट करता है, वैसे ही वो फ़ोन भी था, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह उठते और डायरेक्ट बेड से उठते और बाद में डायरेक्ट ब्रश करते और परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता और हम लोग बोलते कि चलता है ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर जाते फिर डायरेक्ट स्कूल चले जाते उसके बाद में आते और खाना खाते फिर वापस रात को शाम को बैठते और स्कूल का पढ़ाई करते फिर बाद में रात हो जाती है फिर खाना खाते और रात को 20 मिनट देते परमेश्वर को 5 मिनट देते और प्रार्थना करके सो जाते और हम लोग मोबाइल में कितने एक मिनट बोलते चलो मोबाइल देखेंगे उसके बाद में हो जाएगा पर हम लोग देखते देखते 1 घंटा हो जाता है मोबाइल और वैसे ही हम लोग परमेश्वर के लिए अपना टाइम देना चाहिए और टाइम देना चाहिए परमेश्वर को, जैसे ही हम लोग को परमेश्वर के वचनों में पढ़ना है और फिर बाद में उसको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हम लोग को हमारे साथ ऐसे ऑनेस्ट रहना चाहिए, मतलब खुद से खुद को झूठ नहीं बोलना है कि हम लोग खुद से मतलब हम लोग को कोई आदत छुड़ाना रहता है तो उसके लिए हम लोग को खुद को ये करना रहता है ना, जैसे हम लोग अगर मोटे हो गए तो फिर हम लोग को मोटे होना है और पतले होना है तो फिर हम लोग क्या अपने खाना पर ध्यान रखेंगे ज़्यादा नहीं खाएंगे और ज़्यादा हम लोग खुद से ऑनेस्ट रहेंगे मतलब हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे अपने आप से, हम लोग को अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, वैसे ही हम लोग को परमेश्वर को टाइम देना है तो फिर उसके लिए हमारा जो बहुत सारा काम है जैसे हम लोग बोलते काम है मेरे को काम है मैं ये अभी नहीं करेगी मैं बाद में करेगी उसके बाद में काम है हम लोग काम ही नहीं करते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हमारे लिए परमेश्वर ने जो काम रखा है उसको हम लोग नहीं करते, हम लोग अपना काम करते हैं मेरे को ये करना है मुझे जाना है वहाँ और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं हम लोग मोबाइल देखते हैं और फिर हो गया और रात होता है हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद ही नहीं देते ऐसे ही सो जाते हैं और फिर क्या परमेश्वर ऐसे ही हम लोग को जो चीज़ चाहिए वो देगा
नहीं देगा परमेश्वर, तो फिर उसके लिए हमें परमेश्वर को अपना टाइम देना है, और परमेश्वर को अपना टाइम देना है। और घमंड, घमंड ऐसा होता है चीज़ जो इंसान को गिरा देता है। जैसे मैंने मैंने अभी बोर्ड एग्ज़ाम लिखा तो मुझे लगा था कि 90 मार्क्स आएंगे, मेरे 90% आएंगे, तो फिर मैंने 90 मार्क्स आएंगे करके मैंने सोचा पर उससे कम आए। मुझे लगा कि मैंने इतने क्लास में अच्छे मार्क्स लाए तो अलग अलग इन बोर्ड एग्ज़ाम कौन से एग्ज़ाम, छोटा एग्ज़ाम रहेगा वो, ऐसा बड़ा एग्ज़ाम नहीं रहेगा परमेश्वर ने, तो भी अच्छे मार्क्स दिलाए मुझे, और परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद हो। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:21। हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। तो फिर हमारे मूर्ते ऐसे छोटे छोटे मूर्ते होते, बड़े नहीं होते किसी का कोई, ऐसे हम लोग अपने लाइफ में एक गोल सेट करके रखते, इसने ऐसा किया तो हम लोग भी उसको देख के वैसे करेंगे। उसने इंजीनियरिंग किया और मेडिकल किया और ऊपर जाके बड़ा डॉक्टर बन गया, तो फिर हम लोग भी क्या करेंगे, मुझे भी उसके जैसा बड़ा डॉक्टर बनना है, उसका उसको देख के उसने जैसा पढ़ाई किया और वैसा चॉइस करेंगे, पर वैसा नहीं करना है हमको। हम लोग को ना परमेश्वर को अपना गोल आइडल मान के चलना है, जैसा यीशु मसीह ने, परमेश्वर यीशु मसीह ने 30 साल माता पिता के अधीन रहा, वैसे ही हमें भी अपने माता पिता के अधीन रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जैसे फालतू की चीज़ों में। हम लोग अपना नीड्स को पूरा करने के लिए हम लोग अपना टाइम देते, पर परमेश्वर को हम लोग एक भी टाइम नहीं देते। हम लोग को अपना नीड्स पूरा नहीं करना है, परमेश्वर हम लोग का नीड्स जानता है, परमेश्वर को मालूम है कि हम लोग को कौन सा चीज़ चाहिए, तो वो हम लोग को परमेश्वर सब अपना टाइम में प्रबंध करके देता है। जैसे पप्पा को मालूम रहता है कि पप्पा को मालूम रहता है कि हमारे बेटे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो फिर परमेश्वर अपना पप्पा उसको ला के देता है। हाँ, पप्पा को मालूम है उसके पास पेंसिल नहीं है, बैग नहीं है, पप्पा अगले दिन जाएंगे बैग लेकर आएंगे और देंगे। वैसे ही परमेश्वर को भी मालूम है कि हाँ परमेश्वर मेरे बेटे को ये चीज़ चाहिए, तो हम लोग अपना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है और परमेश्वर को अपना टाइम देना है। परमेश्वर हम लोग को सब चीज़ प्रबंध करके देगा अपने समय में। और ये प्राइड है जो परमेश्वर, प्राइड मतलब घमंड, जो घमंड होता है ना वो परमेश्वर से दूर करता है। हम लोग बोलते हम लोग ये चीज़ कर लेंगे, मुझे आता है करने के लिए, मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे जैसे परमेश्वर ने स्किल्स दी है उसके लिए हम लोग धन्यवाद भी नहीं करते, और वो स्किल्स में जाते हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कोई कॉम्पिटिशन्स होते तो फिर अपने बाजू में बहुत सारे के रहते कॉम्पिटिटर्स जो हम लोग से कम्पीट करते, बोलते कि वो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उन लोग से अच्छा है, पर हम लोग थोड़ी ना जानते कि उन लोग में अलग स्किल है, हम लोग में अलग स्किल है, और फिर बाद में जब स्कोर आता है तब पता चलता है कि हाँ वो अच्छा है मेरे से ऐसे। तो फिर हम लोग को प्राइड नहीं रहना चाहिए, अपने ऊपर घमंड नहीं रहना चाहिए। घमंड बहुत सारी चीज़ों को ऐसे तोड़ सकता है, और बड़ी बड़ी हमारी जो आशाएँ रहती है वो घमंड भी हम लोग को चूर कर सकता है। और परमेश्वर को याद करना है तो हमारा बड़ा चीज़ है वो तोड़ना, घमंड नहीं रखना चाहिए अपने जीवन में, और परमेश्वर को हमेशा ध्यान याद करना है। परमेश्वर को याद करना है मतलब अपना टाइम देना है, टाइम दोगे तो फिर परमेश्वर को याद कर पाओगे ना। हम लोग को ना परमेश्वर के एक ही मकसद में फोकस रहना चाहिए कि ऐसी दिशा को देख के चलना। हम लोग का ऐसे एक गोल रहता है ना, वो मतलब फुटबॉल का एक गोल रहता है, हम लोग को मालूम रहता है कि वहाँ जाके गोल मारना है, वैसे ही देखना है। और हम लोग को भी परमेश्वर को मतलब एक गोल सेट करके रखना है कि परमेश्वर के जो इच्छाएँ हैं उसको हम लोग को ये जीवन में रह के पूरी करना है। वैसे ही वचन पढ़ेंगे हिब्रानी 12:2। और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की और कुछ चिंता न करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, तो परमेश्वर को हम लोग ताकते हुए चलना है, और जो हम लोग के पास जो चीज़ है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख के चलना है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एडवांटेजेस देखते हैं, उसका रिएक्शन नहीं देखते, मतलब उससे अगर ये करेंगे तो उसके पीछे बहुत सारा ये चीज़ें होगा, बुरी चीज़ें होगा वो देखते ही नहीं है,
हम लोग उसको बोलते हैं जाने दो ये चलेगा, हम लोग कर लेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, वैसे नहीं करना है। और कोलोसी 3:1, अतः अब तुम जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो हमें अपने स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है और उसके नीचे सेकंड वाला पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर की वस्तुएं नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर। ये पृथ्वी की वस्तुएं थोड़े दिन के लिए रहेगा हम लोग के पास, थोड़े दिन के लिए हम लोग मर जाएंगे, उसके बाद में ये चीज़ हम लोग के पास नहीं रहेगा, हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर के पास चले जाएंगे। तो परमेश्वर के पास जाना है तो फिर हम लोग को कुछ लेकर जाना है तो ही तो एंट्री मिलेगा ना। जैसे हम लोग दूसरे के गेस्ट के हाउस में जाते हैं तो फिर गेस्ट बन के जाते हैं तो फिर हम लोग ऐसे खाली हाथ जाते हैं तो फिर शर्म की बात वैसे लगती है, शर्म लगता है, कोई ऐसा हाथ खाली हाथ नहीं जाता। वैसे ही हम लोग को परमेश्वर के पास जाना है तो फिर उसके लिए हमें कुछ लेकर जाना है, तो फिर यहाँ से लेकर जाने के लिए हमारे पास ऐसे ही लेकर जाएंगे और गिफ्ट खरीदना रहता है तो हम लोग को उसमें अपना टाइम देना रहता है। वैसे ही यहाँ पर भी परमेश्वर के लिए कुछ लेकर जाना है तो हमें अपना टाइम देना पड़ेगा, परमेश्वर को टाइम देना पड़ेगा और उसमें टाइम देना है और परमेश्वर को जितना टाइम चाहिए उतना देना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना टाइम अपने ही कामों में लगाते हैं, परमेश्वर को एक बार भी याद नहीं करते। और जैसे और शैतान है, वो शैतान इस दुनिया में सिरसी फाड़ खाने वाला सी के जैसा है, वो हर एक ऐसे टाइम में मतलब हर एक चांस, एक भी चांस नहीं छोड़ता है कि वो हम लोग को भी किसी वस्तु में डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारा ध्यान को खींच के लेकर जाता है। वैसे ही हमें हमारा ध्यान ऐसे संसार की वस्तु में नहीं रहना चाहिए, संसार में ऐसी वस्तु है तो यहाँ पर ध्यान नहीं लगा के रखना है, परमेश्वर की और ही ध्यान ही लगाना है, परमेश्वर को ही मतलब परमेश्वर की और ही ध्यान लगाना है, परमेश्वर को ही देखना है। पहला पत्रस 5:8, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, तो हमें जागते रहना है और परमेश्वर को ताकते रहना है और देखना है कि ये शैतान हम लोग को अपना ध्यान नहीं खींचा, शैतान अपने कामों से हमारा ध्यान न खींचाने का कोशिश करे। तो मेरा कहना यही था कि हम लोग को अपना जीवन में टाइम देना है परमेश्वर को, एक लाइफ सेट करके रखना है, मतलब परमेश्वर को ही देखकर चलना है, जैसा यीशु मसीह चला और अपने माता पिता से ऑनेस्ट रहा और उनके मतलब जैसे मम्मी पापा बोलते थे वैसे ही चलता था वो। तो हम लोग को यीशु मसीह के जैसे ही देखकर चलना है और हम लोग अपने लाइफ में हम लोग अपना चलते काम, अभी हम लोग छोटे बच्चे हैं, अभी टीनेज ही हैं, तो हम लोग जैसे परमेश्वर यीशु मसीह टीनेज लाइफ कैसे बिताए उन्होंने अपने माता पिता को, तो वैसे ही हम लोगों को भी अपना टीनेज लाइफ बिताना है। हम लोग ये लाइफ में अपना इच्छा नहीं पूरी करना है, हम लोग को ना परमेश्वर का इच्छा पूरी करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो फिर हम लोग को ना अपना टाइम को ना प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि ये समय में इतना हम लोग का पढ़ के हो गया, उसके बाद में हम लोग को परमेश्वर के लिए थोड़ा सा टाइम देना है, परमेश्वर के लिए लास्ट में थोड़ा सा टाइम देना है। ऐसे नहीं रात को सोने से पहले 20-21 मिनट का ऐसे प्रार्थना करके चले जाने का ऐसे नहीं करना है हम लोग को कुछ पाना है तो उसके लिए हम लोग को अपना कीमती समय देना पड़ेगा। फिर हम लोग ना प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हालेलुया, इतने समय तक हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद देना है, हालेलुया यहाँ पर भी परमेश्वर ने हम लोग ने अपना टाइम कीमती समय दिया इसलिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद देना है अपना टाइम हालेलुया परमेश्वर यहाँ की चीज़ों में नहीं बिताना है परमेश्वर का हालेलुया धन्यवाद करते परमेश्वर आप हालेलुया मेरे महान राजा धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया अपना हालेलुया एक मकसद रख के परमेश्वर को हालेलुया देखते हुए चलना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने हमें जो इस संसार में रखा है उसको पूरे हैं, सबको अलग अलग मकसद परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है, हमें भी अपना हालेलुया
मकसद को जान के पूरा करना है परमेश्वर को प्रार्थना करें। परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया, सम्मान दिलाया परमेश्वर ये हालेलुया, सभी को मौका नहीं मिला है परमेश्वर हालेलुया, कितने को हालेलुया। हमारे जीवन में एक चांस मिलता है जो बाद में नहीं मिलता है, हमें जो चांस मिलता है उसको हालेलुया लेना चाहिए परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। बाद में वो मौका कभी ऐसा मौका नहीं आता है, वैसे ही हमें भी ये मौका दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि यहाँ पर इकट्ठा हो और आत्मिक जीवन में बढ़े, तो हमें भी परमेश्वर का ये मौका को हाले यूज़ करना है परमेश्वर से। हालेलुया प्रार्थना कर परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया, आपने हालेलुया इतना हालेलुया बड़ा दया हालेलुया परमेश्वर, नया अनुग्रह रोज देता है परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे महान हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे महान सामर्थ्य, धन्यवाद करते हालेलुया परमेश्वर मेरे महान राजा, धन्यवाद। Thank you.
आराधना करते परमेश्वर ने, हालेलुया। हम लोग को हालेलुया परमेश्वर ने यह मौका दिया, हम मिट्टी थे परमेश्वर, हमारा कुमार हालेलुया हमें बनाता है परमेश्वर को देखते हुए परमेश्वर को। जैसे हम लोग ने अभी गाना गाया मुश्किलों के सागर में परमेश्वर ने हमें ले चलाया परमेश्वर, हमारा नया कभी नहीं डूबने दिया परमेश्वर को। धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को, अपना टाइम देते हुए हमें हालेलुया आगे चलना है परमेश्वर के जैसा चलना है परमेश्वर के, जो हमारे मकसद हमारे जीवनों में रखा है उसको पूरा करने के लिए हम एक को हालेलुया परमेश्वर आप हालेलुया सहायता मदद कर अपना परमेश्वर हालेलुया, हमें ज्ञान दे परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। इतने देर तक हालेलुया आपने अपने वचनों को परमेश्वर जानने के लिए मौका दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आप हालेलुया परमेश्वर, चला धन्यवाद आगे का समय भी परमेश्वर आपके हाथ में हालेलुया सौंपते ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमेन। आमेन।